माननीय मुख्यमंत्री महोदय और उप मुख्यमंत्री महोदय, हिमाचल वासियों की बदौलत जो है एक बार फिर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय ठाकुर सुरेंद्र सिंह सुक्खू जी का मुख्यमंत्री बनने के बाद, क्योंकि विधानसभा का सत्र जो है 22, 23, 24 को है, 21 तारीख को जो है जिला कांग्रेस कमेटी कांगड़ा की आज ये बैठक थी जिसमें सभी ब्लॉक अध्यक्ष पदाधिकारी जो ने भाग लिया, और उसमें ये निर्णय लिया गया कि किस तरीके से इस अभिनंदन समारोह को जो है एक ऐतिहासिक बनाया जाए। सभी ब्लॉक अध्यक्षों ने अपने अपने विचार रखे। आज मैंने जिला की बैठक की है, कल सभी जो है हमारे ब्लॉक के प्रेजिडेंट 15 के 15 ब्लॉकों में अपनी बैठक करेंगे, और 15,000 का टारगेट जो है हमने जो जोरावर स्टेडियम में अभिनंदन समारोह रखा है आदरणीय ठाकुर सुरेंद्र सिंह जी का टारगेट हमने फिक्स किया। इसके साथ साथ NHAI हो, युवा कांग्रेस हो, इंटक हो, महिला कांग्रेस हो, जितने भी हमारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके साथ संवाद करके जो है एक बहुत बड़ी जो है, क्योंकि जिला कांगड़ा का एक बहुत बड़ा रोल जो है वर्तमान जो कांग्रेस पार्टी की सरकार रही है जिला कांगड़ा के लोगों का रहा है, मुख्यमंत्री महोदय का प्रथम आगमन है, जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा जो है उसकी सारी रणनीति और रूपरेखा जो है वो आज तैयार की गई। इसी तरीके से कई प्रकार की कमेटियों का गठन किया गया, अलग अलग जिम्मेवारियाँ जो है वो पदाधिकारियों ने बांटी गई। मैं कहूँगा जो वर्तमान में सरकार में मुख्यमंत्री बने हैं, CR से लेकर, बहुत से बच्चे तो जानते नहीं होंगे CR क्या है, क्लास रिप्रेजेंटेटिव से लेकर, जो छात्र राजनीति का सबसे छोटा चुनाव था वो गवर्नमेंट कॉलेज संजोड़ी से सबसे पहले क्लास रिप्रेजेंटेटिव रहे, CR से लेकर CM तक का सफ़र ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय का है। और बड़ा फख्र महसूस होता है कि छोटे परिवार से जो है आज प्रदेश का नेतृत्व जो है, कि छोटे परिवार से जो है कांग्रेस पार्टी ने ऐतिहासिक निर्णय लिया है कि आदरणीय ठाकुर सुरेंद्र सिंह सुक्खू जी को, जो कि पहले CR रहे, फिर वो उसी गवर्नमेंट कॉलेज संजोली के जनरल सेक्रेटरी रहे, उसी गवर्नमेंट कॉलेज संजोली के जो है वो प्रेजिडेंट रहे, और उसके बाद 2 बार वो काउंसलर जो है वो छोटा शिमला से रहे, उसके बाद पार्टी ने उनको 6 साल वो NHAI के अध्यक्ष रहे, 10 साल वो युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, 6 साल फिर वो PCC के प्रेजिडेंट रहे, और यूथ कांग्रेस अध्यक्ष के नाते उनको मौका नगांव विधानसभा क्षेत्र से विधायक बनने का मिला। लगातार उनका ये संघर्ष जारी रहा और आज हिमाचल प्रदेश के वासी बड़े बड़े और खासकर नौजवान बागवान और जिन लोगों को आशा थी एक छोटे परिवार से, और एक मैं कहता हूँ NHAI से जुड़ा हुआ, जो मैं कहता हूँ संगठन से जुड़ा हुआ है, प्रदेश को मुख्यमंत्री मिला है। और मुख्यमंत्री महोदय ने ठीक कहा है, ओथ लेने के बाद उन्होंने जब वो चुनाव प्रचार में थे, हमारे 10 पॉइंट हमारे कार्यक्रम थे जो हमने आपके ऊपर लागू किए, चाहे वो ओल्ड पेंशन स्कीम थी, चाहे वो पेंशन थी, चाहे वो हमारी आउटसोर्स के लिए हमारी जो पॉलिसी थी, उसमें अब रूपरेखा पे जो है वर्तमान सरकार काम कर रही है। सबसे बड़ा नारा था व्यवस्था बदलेंगे, मैं मुख्यमंत्री का धन्यवाद करना चाहूँगा, व्यवस्था बदलने के लिए शुरुआत कर दी है। जब कभी हम होटलों में जाते थे, वहाँ जाते थे, बोले विधायक को यार 300 रुपया लगता है और आम आदमी को 1200 रुपया लगता है, पहली CLP की बैठक में। अभी मैं कहता हूँ उन्होंने निर्णय लिया और शाम को 5 बजे आदेश निकाल दी, व्यवस्था बदल, एक व्यवस्था और बदली है। जैसे सरकारें बनती थी, सरकारें बनते ही 24 घंटों में लेटर आता है, ट्रांसफर लगा लगता है, हम जो मुख्यमंत्री की सोच है, लोगों ने हमारे को विकास के लिए, हिमाचल को आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री बनाया है, तो ये व्यवस्था बदलने के अभी 5-7 दिन हुए, व्यवस्था बदलने को लेकर जो है मुख्यमंत्री की वचनबद्धता है, और उस व्यवस्था को मुख्यमंत्री ने शुरुआती दौर में, मैं कहता हूँ जब वो कल भारत जोड़ो यात्रा में थे, तो बहुत से लोगों ने, मैं कहता हूँ इस तरीके से हिमाचल के लोगों का स्वागत किया, कल NHAI कार्यालय थे, यूथ कांग्रेस कार्यालय थे, पहले मुख्यमंत्री हैं जो मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने जहाँ से उन्होंने शुरुआत की थी वहाँ वो पहुँचे हैं, तो उसका माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन समारोह है, उसके लिए हमने रणनीति बनाई है और इसको एक ऐतिहासिक जो है समारोह हम बनाएंगे। और सभी लोगों ने ब्लॉक अध्यक्षों की और पदाधिकारियों की, हमारे जो विधायक है उनकी, और दूसरे जो PCC के हमारे पदाधिकारियों की जिम्मेवारी फिक्स की है, इस कार्यक्रम को जो है एक आम ऐतिहासिक कार्यक्रम बनाएंगे अभिनंदन समारोह को, और इसके लिए हमारी जिला स्तरीय आज बैठे थे। इसमें जो काम वाली बात नहीं है, मैं मोटिवेटर हूँ, मैं तो एक किस्म का, मैं संगठन का आदमी हूँ, प्रदेश का महामंत्री भी नहीं, मैं हर प्रेस वालों को कहता हूँ मेरे विधायक के साथ मेरे को प्रदेश का महामंत्री पक्का रहेगा, मैं संगठन में पहले हूँ, मैं कोई उसमें कोई बहुत बड़ी जिम्मेवारी नहीं है,
ये है कि अब मैं संगठनात्मक पिछले 5 साल में जब अपोजिशन में काम हुए आदरणीय महाजन साहब हमारे अध्यक्ष थे, तो उसको मैं कोऑर्डिनेट करता था, वो जिम्मेवारी मेरे को, क्योंकि उनके साथ मैंने लगातार जब वो 6 साल अध्यक्ष थे तो बतौर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी काम किया है, बतौर जनरल सेक्रेटरी भी काम किया है, तो उन्होंने संगठन की जिम्मेवारी दी है। सब लोगों को हम रिक्वेस्ट कर कर जो है वो है, हम चाहेंगे इस कार्यक्रम को जो है इतिहास बनाए। लोगों ने इतना कुछ दे दिया यार, ऐतिहासिक तो मेरे सब प्रकार लोग हैं, लोग कभी सोचते नहीं थे, मैं कभी कभी अखबार में पीछे उठाता हूँ तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का अभी मंत्रिमंडल का गठन नहीं हुआ। मैं मेरी बात सुनो, मेरे को सबसे बड़ा जो जो तोहफा दिया वो सापर की जनता ने दिया है। मैं आपको बता दूं, अभी एक अखबार ने लिखा, अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे तो इतना बड़ा, 117 बूथों में से 110 बूथों पे जीता हूँ हिमाचल प्रदेश में विधानसभा में, कहीं ऐसा रिकॉर्ड नहीं, 110 बूथों पे जीता हूँ 117 में से, और 100 हिमाचल प्रदेश में जो 8 मंत्री हारे हैं, मैं तो सापर के धन्य का दरबार, उन्होंने व्यवस्था, उन्होंने रिवाज बदला, उसमें सबसे ज्यादा मतों से कोई मंत्री हारी है वो सापर की आदरणीय पूर्व मंत्री श्रीमती सरवीण चौधरी है। तो मेरे को तो इससे ज्यादा क्या देना, मैं कार्यकर्ता हूँ, मैं संगठन का आदमी हूँ, ये जो इतना कुछ मिल गया है मेरे को, छोटे परिवार से मैं संबंध रखता हूँ, इस महाविद्यालय से मैंने अपनी राजनीति बताओ कैंपस परेड शुरू की थी, वो पहली चिट्ठी भी मेरे को आदरणीय सुखेंद्र सिंह सुखू जी जो है उस वक्त NSUI के अध्यक्ष हुआ करते थे, पहली चिट्ठी की उनकी साइन की हुई है, कैंपस परेड NSUI गवर्नमेंट कॉलेज धर्मशाला। तो इससे ज्यादा और क्या मैंने लेना, तो हाँ मैं ऑनर समझता हूँ जो संगठन का मेरे को कोई काम देते हैं कि उसको मैं समझता हूँ कि ये मेरे को कोई काम काज दिया गया तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा काम नहीं है, पहले मैं करता रहा हूँ, मेरे बड़े भाई आदरणीय करण सिंह पठानी अध्यक्ष, मैं इनके लिए मोटिवेट छोटे भाई का काम करूंगा, इनके साथ आज सारे इन्होंने पदाधिकारी बुलाए, तो इसको और अब अपनी बात आदरणीय राजेंद्र जी बैठे, आपको बता दूँ पहली विधानसभा है, 14 लॉ ग्रेजुएट, 7 इंजीनियर, तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में न्यूज तो ये, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में पोस्ट ग्रेजुएट और लॉ ग्रेजुएट हिंदुस्तान की पहली विधानसभा है, मिनिमम पोस्ट ग्रेजुएट और लॉ ग्रेजुएट जो है वो विधानसभा के अंदर, चाहे वो पार्टी पर सत्ता पक्ष हो चाहे वो विपक्ष हो। बुडमल ज्वेलर्स पालमपुर, भरोसा उम्र भर का।